हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ मनजीत सिंह। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सिंपली सपोर्टेड स्लैब जो होता है, जो कि वन वे स्लैब, आपको मैंने उसका पूरा डिजाइन स्टेप्स बता दिया था। और आज मैं उसका जो है आपको लेक्चर लेके आया हूँ, यानी कि न्यूमेरिकल लगाएंगे आज हम लोग उसका। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए मैंने क्वेश्चन पहले से लिख दिया है। क्वेश्चन पढ़िए क्या है। A simply supported slab of a corridor of a hospital building has a clear span 2.5 meter. मैंने आपसे बताया था कि जब भी क्वेश्चन में वन वे स्लैब दिया जाता है तो यह आवश्यक नहीं है कि उस स्लैब का दोनों तरफ का मेजरमेंट दिया जाए या पूरा साइज दिया जाए। वन वे स्लैब में केवल एक ही लेंथ दिया जाता है। अगर मान लीजिए दोनों लेंथ दे दिया तो आप उसे चेक कर लेंगे कि जो लॉन्ग स्पान है, लॉन्ग स्पान इज ग्रेटर देन 2 into शॉर्ट स्पान। अगर ये कंडीशन होता है तो वो स्लैब वन वे स्लैब है। ये केवल चेक करने के लिए देता है आपको कि वन वे स्लैब है या टू वे स्लैब है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो केवल एक ही लेंथ दिया गया है 2.5 meter, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये वन वे स्लैब है, क्योंकि गैलरी हुआ या कॉरिडोर हुआ ये वन वे स्लैब में ही इसका आता है ये। तो यहाँ पर देखिए जो भी वैल्यू दिया गया उसे हम लोग लिख लेंगे। क्या क्या वैल्यू दिया गया है, पहली बात तो ये है कि आपको दिया गया है कैपिटल एल का वैल्यू दिया गया है 2.5 meter, यानी क्लियर स्पान दे दिया। एंड इज सपोर्टेड ऑन बीम्स 230 mm विथ। जिस सपोर्ट पे रखा गया है उसका विथ दे दिया गया है, यानी विथ ऑफ सपोर्ट दिया गया है ये 230 mm. डिजाइन द स्लैब इफ द बीम इज कैरिंग अ लाइव लोड ऑफ 5 kN/m². यहाँ पे W1 सुपर इम्पोज लोड दिया गया है, या इसे आप लाइव लोड कह सकते हैं, 5 kN/m². यूज M20 ग्रेड कंक्रीट एंड Fe 415 स्टील। यहाँ पर M20 दिया गया है और Fe 415 दिया गया है। M20 के लिए FCK का वैल्यू जो होता है वो 20 Nm/mm² होता है, एंड Fe 415 के लिए Fy = 415 Nm/mm² होता है, ये हम सब लोग को पता है। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से सॉल्व करना। तो जैसा मैंने आपको स्टेप बताया हुआ है वो स्टेप बाय स्टेप हम इसका जो है डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि हम निकालते हैं टोटल डेप्थ ऑफ स्लैब। और टोटल डेप्थ ऑफ स्लैब निकालने के लिए हम ये चेक करते हैं कि लोड कितना दिया गया है। इफ़ लोड इज अप टू 5 kN/m² देन D = 40 × L, एंड इफ लोड इज इक्वल टू 5 kN/m² टू 10 kN/m² देन टोटल डेप्थ ऑफ स्लैब इज 60 × L। ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो आपका लोड दिया गया है वो 5 kN/m² दिया गया है। तो 5 kN/m² या इससे ज़्यादा दिया जाता है तो वहाँ पर हम D का वैल्यू कैसे निकालते हैं, यानी डेप्थ ऑफ स्लैब, डेप्थ ऑफ स्लैब कैपिटल D कैसे निकालेंगे, 60 × L। हर एक मीटर लेंथ पे 60 mm का आपको डेप्थ देना होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये बात ध्यान में रखना होगा आपको कि जब L का वैल्यू यहाँ पर देखिए मीटर में दिया गया है, मीटर में ही हम रखेंगे। यहाँ पर 60 × L, L का वैल्यू दिया गया है 2.5 meter, लेकिन लिखेंगे इसको मिलीमीटर। बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। mm में लिखने का रीज़न यही है कि हर एक मीटर पे 60 mm डेप्थ लेके चलते हैं, इसलिए 2.5 meter लेंथ पे कितना हो जाएगा तो उसे मिलीमीटर में ही लिखेंगे। तो हो जाएगा 60 × 2.5, 150 mm। ये हो गया कैपिटल D का वैल्यू। कैपिटल D का वैल्यू निकालने के बाद हम निकालेंगे इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब d। क्या फॉर्मूला इसका, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल D माइनस इफेक्टिव कवर।
कैपिटल डी आपका दिया गया 150 mm माइनस इफेक्टिव कवर 20 mm। मान लीजिए कवर के लिए मैंने आपको बताया था कि 15 mm या डाया ऑफ मेन बार, इन दोनों में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होता है उसे लेके चलते हैं। तो डाया ऑफ मेन बार यहाँ 10 mm या 8 mm ही लेके चलेंगे हम, तो यहाँ पे 15 mm ज़्यादा है। तो जब इफेक्टिव कवर निकालेंगे तो कवर प्लस डाया ऑफ बार बाई 2, तो डाया मान लीजिए 10 mm का अगर लेते हैं तो उसका हाफ 5 mm हो जाएगा, तो 15 + 5 कितना हो जाएगा 20 mm, तो लगभग 20 mm ही आ गया। तो आप इसे याद भी रखेंगे इफेक्टिव कवर हमें कितना लेकर चलना है, 20 mm ही लेकर के चलना है। तो ये हो जाएगा आपका 130 mm। एंड थर्ड स्टेप है आपका विथ ऑफ स्लैब। विथ ऑफ स्लैब हमेशा हम लोग कितना मान के चलते हैं, 1 मीटर या 1000 mm। हमेशा जो उसका लॉन्ग स्पान नहीं दिया गया है कॉरिडोर का, तो उसका हम 1 मीटर ही मान करके सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये जो लेंथ दिया गया है आपका, ये शॉर्ट स्पान है, हमेशा शॉर्ट स्पान को ही मान करके डिज़ाइन करते हैं, लॉन्ग स्पान हमेशा 1 मीटर ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपको बी का वैल्यू पता चल गया। नंबर 4 क्या निकालेंगे अब हम, इफेक्टिव लेंथ। इसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया हुआ है, L प्लस डी और सेंटर टू सेंटर बोथ ऑफ सपोर्ट। इन दोनों में जो सबसे कम वैल्यू होता है उसी को लेके हम चलते हैं, मिनिमम वैल्यू, टेक मिनिमम वैल्यू। तो निकालिए कितना आता है, कैपिटल एल का वैल्यू कितना है, कैपिटल एल का वैल्यू है आपका 2.5 मीटर। स्मॉल डी, अब देखो ये मीटर में लिए हैं तो मीटर में ही ले लेंगे, यूनिट भी आप ध्यान देंगे। तो कैपिटल डी दिया गया 150 mm, मीटर में लेंगे तो 0.150 आ जाएगा। और सेंटर टू सेंटर अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, कैपिटल एल यानी 2.5 मीटर प्लस एक तरफ का सपोर्ट का हाफ कितना हो जाएगा, 230 mm सपोर्ट का ब्रिथ दिया गया है ना, तो 230 का हाफ कितना हो जाएगा, 115 mm। और फिर दूसरे साइड हम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 115 mm। तो 115 और 115 कितना हो जाएगा, 230 mm। तो ये हो जाएगा 230 यानी 0.230। तो ये हो जाएगा, अगर इसे आप सॉल्व करते हैं, स्मॉल डी लेके चलते हैं, स्मॉल डी 130 mm है आपका, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे 2.5 + 0.13 तो 2.63 और 2.23। इन दोनों में जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगा वो आप लेके चलेंगे, विच एवर इज मिनिमम वैल्यू। तो इन दोनों में क्या कम है, देखिए 2.63 कम है, तो 2.63 आपका हो जाएगा इफेक्टिव लेंथ, ठीक है। अब इफेक्टिव लेंथ, अब हमें एल बी और डी ये तीनों वैल्यू पता हो गया, तो सबसे पहला नंबर हम यही काम करते हैं कि एल बी और डी निकालते हैं। एल बी और डी आपको पता चल गया, अब हम निकालेंगे लोड। फिफ्थ नंबर स्टेप क्या होगा, लोड। लोड यहां पर आपको L1 का, W1 का वैल्यू दिया गया है, लाइव लोड दिया गया है। अब हम यहां निकालेंगे सेल्फ वेट ऑफ स्लैब, सेल्फ वेट ऑफ स्लैब W2। क्या फॉर्मूला इसका, 1 × B × D, 1 × B का वैल्यू 1 मीटर ही है, तो 1 × 1 × D × 25,000। 1 × 1 × D का वैल्यू कितना दिया गया, 150 mm, इसे मीटर में ले लेंगे तो 0.150 × 25,000। इसे सॉल्व करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, 3750।
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये W2 हो गया। W1 आपको दिया गया है 5000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अब हम यहाँ से टोटल लोड निकाल लेंगे, टोटल लोड W क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2। W1 का वैल्यू दिया गया है 5000, ये किलो न्यूटन में है इसे मैंने न्यूटन में बना लिया, प्लस W2 दिया गया है 3750, तो ये हो जाएगा 8750 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। टोटल लोड के बाद अब हम निकालेंगे डिज़ाइन टोटल लोड, क्योंकि लिमिट स्टेट मेथड है ये, तो निकालेंगे यहाँ पर डिज़ाइन टोटल लोड W। इसमें कैसे निकालते हैं, इस W में 1.5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डिज़ाइन लोड आ जाएगा। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे मैक्सिमम फैक्टर्ड मूमेंट। अगला स्टेप हमारा होगा स्टेप नंबर 6, या उसे हम मैक्सिमम बेंडिंग मूमेंट कह सकते हैं, जिसे MU से डिनोट करते हैं। MU इज इक्वल टू क्या होता है, WU L² / 8। W का वैल्यू है 13125 इंटू L, स्मॉल L लेंगे कितना है वैल्यू, 2.63 का स्क्वायर बाई 8। ये आ जाएगा आपका 11.34 इंटू 10³। इसका यूनिट आएगा न्यूटन मीटर में। क्यों न्यूटन मीटर में आएगा, क्योंकि L का वैल्यू मैंने मीटर में रखा हुआ है और WU का वैल्यू न्यूटन में रखा हुआ है, तो न्यूटन मीटर में आएगा ये। अब इसे हम चेंज कर लेंगे न्यूटन मिलीमीटर में, क्योंकि आगे हमें जो है, अब हमें हर एक वैल्यू जो है न्यूटन में लेके चलेंगे या मिलीमीटर में लेके चलेंगे, अब मीटर में लेके चलने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम केवल यहाँ तक लोड जो है उसे न्यूटन मीटर में ही निकालते हैं, लेकिन जब लोड निकाल मोमेंट निकाल लेते हैं तो उसके बाद लास्ट में हम उसे चेंज कर देते हैं न्यूटन मिलीमीटर में। आगे सभी वैल्यू हमें न्यूटन मिलीमीटर में ही लेकर के चलना है। तो ये आपका आ गया मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट या मैक्सिमम फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट आ गया है आपका, ठीक है। नंबर 7 स्टेप है आपका, अब हमें निकालना है एक्सयू मैक्स, यानी न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे अब हम। तो एक्सयू मैक्स इसका फॉर्मूला क्या होता है, 700 D/1100 प्लस 0.87 FY। इसे हमेशा D के टर्म्स में निकालते हैं, मैंने आपको बताया हुआ इस स्टेप में कि टर्म्स ऑफ D में निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, 700 × D/1100 प्लस 0.87 FY। FY का वैल्यू कितना दिया गया है, 415 दिया गया है, तो ये आ जाएगा आपका 0.48 D, XU max आ गया। अब हम निकालेंगे MU max, यानी मैक्सिमम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, MU max कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है 0.36 FCK × B × XU max D − 0.42 XU max। इसे हमेशा हम BD स्क्वायर के टर्म्स में निकालते हैं, जैसे हमने XU max D के टर्म्स में निकाला हुआ है, वैसे ही MU लिमिट हम किस में निकालेंगे। इसे MU लिमिट बोलिए या MU max बोलिए, बात एक ही है, चाहे लिमिट लगाइए या मैक्स लिखिए, दोनों का मतलब सेम होता है। तो कैसे निकालेंगे, 0.36 × FCK का वैल्यू 20 है, इंटू बी को आप बी लिखेंगे, इंटू एक्स यू मैक्स का वैल्यू आपने निकाला हुआ है 0.48 D, D लिख लेंगे,
इसको डी को डी लिखेंगे, माइनस 0.42 एक्स यू मैक्स का वैल्यू 0.48 डी, इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा आपका 0.36 इंटू 20 इंटू 0.48 इंटू 1 माइनस डी कॉमन ले लेंगे वहाँ से 0.42 इंटू 0.48, तो ये हो जाएगा आपका 2.75 बी डी स्क्वायर, ये हो गया आपका एम यू लिमिट 2.75 बी डी स्क्वायर। अब हम क्या काम करेंगे, एम यू इज इक्वल टू एम यू लिमिट, ये दोनों को इक्वल करके यहां से हमें डी का वैल्यू निकालना है। स्टेप नंबर 9th में आते हैं अब हम लोग। देखिए इसी से फॉर्मूला बन जाता है, क्या बनता है, D इज इक्वल टू क्या हो जाता है, D इज इक्वल टू अंडर रूट एम यू लिमिट अपान में 2.75 इंटू बी। मैंने आपसे बताया हुआ है फॉर्मूला D इज इक्वल टू एम यू अपान क्यू इंटू बी, क्यू क्या है, कोफिशियंट है आपका, ये वो कोफिशियंट यहाँ पे ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड ग्रेड ऑफ स्टील रखने से जो यहाँ पे डिजिट आता है उसी को बोलते हैं कोफिशियंट, यानी क्यू का वैल्यू होता है। इसे हम स्टेप नंबर 9th दे देंगे नाम इसका, और लिखेंगे यहाँ पर चेक इन डेप्थ। इससे हम लोग क्या करते हैं, डेप्थ को चेक करते हैं कि जो मैंने पहले एज्यूम किया हुआ है डेप्थ क्या वो हमारा ठीक है या नहीं, उसे हमें चेक करना है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ये MU लिमिट, MU लिमिट इज इक्वल टू MU होता है, तो ये वैल्यू हम रखेंगे यहां पर 11.34 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइड बाय 2.75 इंटू बी, बी का वैल्यू कितना है 1000, सॉल्व करेंगे इसे 11.34 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइड बाई 2.75 इंटू 1000 अंडर रूट आंसर, ये आपका वैल्यू आ गया 64.21। ये जो डी का वैल्यू आता है और जो मैंने पहले स्मॉल डी एज्यूम किया हुआ है जो कि रिक्वायर्ड है हमें, उससे हमेशा कम होना चाहिए। अगर ये वैल्यू कम आता है तो आपका डिज़ाइन सही है, अदरवाइज डिज़ाइन आपका सही नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे D इज लेस देन D रिक्वायर्ड, यानी D का वैल्यू कितना है 64.21 और D रिक्वायर्ड अपना कितना आया हुआ 130 mm आया हुआ है, तो इससे कम है इसलिए हम क्या कहेंगे, हैंस डिजाइंड ओके, डिजाइन आपका करेक्ट है ये, ठीक है। तो मैंने स्मॉल डी चेक कर लिया, अब हम निकालेंगे रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट में मिनिमम रेन मेन बार निकालेंगे, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बार का फिर निकालेंगे। तो पहले मेन बार निकालते हैं, स्टेप नंबर 10 क्या हो जाएगा, मेन बार। इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं एम यू इज इक्वल टू 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी इंटू डी माइनस 0.42 एक्स यू, ये फॉर्मूला हमें यहां पर यूज करना है और यहां से हम ए एस टी निकालेंगे। ये फॉर्मूला मैंने क्यों लगाया, क्योंकि यही एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें ए एस टी यूज होता है इस मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो है यहाँ से ए एस टी निकालेंगे, अब चलिए देखते हैं कैसे ए एस टी निकालते हैं, ठीक है। एम यू का वैल्यू मालूम है आपको,
11.34 × 10^6 इज इक्वल टू 0.87। एफ वाई का वैल्यू दिया गया है 415 × AST। डी का वैल्यू कितना रखेंगे, जो मैंने पहले से निकाला हुआ है ये वाला डी नहीं रखेंगे क्योंकि ये तो चेक करने के लिए बस होता है। डी रिक्वायर्ड जो है वही हम रखते हैं 130 mm। माइनस 0.42 × XU। XU का फॉर्मूला आप यहाँ पे लिख देंगे। XU का फॉर्मूला क्या होता है, 0.87 FY AST / 0.36 FCK × B, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस पूरे इक्वेशन में देखा जाए केवल AST अननोन है और यहाँ से हम AST की वैल्यू निकाल लेंगे। चाहे तो आप इससे यहाँ डिवाइड कर देंगे, 11.34 × 10^6 डिवाइड बाई 0.87 × 415 = AST। इसे सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 130 माइनस, देखिए यहाँ पर FY और FCK B का वैल्यू हम रख लेंगे, 0.42 × 0.87 × FY। FY का वैल्यू कितना है, 415 × AST अपान में 0.36 × FCK का वैल्यू है 20 × BB का वैल्यू है 1000। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11.34 × 10^6 डिवाइड बाई 0.87 एंड डिवाइड बाई 415, तो ये आपका हो जाएगा 31.40 × 10^3। ठीक है, ये वैल्यू आपका आ गया। अब इसके अंदर हमें सॉल्व करना है, AST का मल्टीप्लाई 130 में करेंगे तो 130 AST आएगा। उसके बाद इस AST का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो AST का स्क्वायर हो जाएगा और इसे सॉल्व करेंगे, 0.42 × 0.87 × 415 divided by 0.42 × 0.87 × 415 divided by 0.36 × 20 × 1000। तो ये आ जाएगा माइनस में, AST माइनस 0.021 AST का स्क्वायर। ठीक है, एक बार इसे आप फिर से चेक कर लीजिए, 0.42 × 0.87 × 415 divided by 0.36 × 20 × 1000। ठीक है, अब इस दोनों को इधर आप ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 0.021 AST का स्क्वायर, ये आएगा माइनस 130 AST, ये प्लस में है आपका, प्लस 31.40 × 10^3 इक्वल टू 0। ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं कि MU का वैल्यू तो हमने यहाँ लिख रखा है, आगे कभी आवश्यकता पड़ेगी तो यहाँ से लिख लेंगे, और यहाँ पर लोड की ज़रूरत हमें और पड़ेगा WU का वैल्यू, बाकी ये जो मैंने लिखा हुआ है इसका कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा। WU का वैल्यू कहीं पर लिख लीजिए, WU का वैल्यू है 13125। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। MU का वैल्यू भी लिख लीजिए, इसकी भी आवश्यकता पड़ सकता है, 11.34 × 10^6। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर A का वैल्यू कितना है देखिए, 0.021, B का वैल्यू है -130 और C का वैल्यू जो कांस्टेंट होता है वो C का वैल्यू होता है, और इसके लिए आप लोग फॉर्मूला जानते हैं कैसे निकालते हैं, AST इज इक्वल टू हो जाता है -B प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 AC / 2A। इससे हम लोग सॉल्व करेंगे
और देखते हैं कि ये वैल्यू कितना आता है। माइनस बी, पहले बी स्क्वायर सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करना आपको सिखाया हुआ है, कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, माइनस फोर इंटू ए, ए का वैल्यू फोर इंटू ए का वैल्यू 0.021, इंटू सी का वैल्यू है 31.40 इंटू 10³। अंडररूट आंसर आ गया, ठीक है। और यहाँ अगर प्लस चिन्ह लेकर के चलते हैं तो माइनस बी यहाँ करना होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 130। एक बार हम प्लस चिन्ह ले लिए हैं, डिवाइड बाय 2a, 2 इंटू ए, ए का वैल्यू है 0.021, तो ये आ गया 5938 पॉइंट। यानी अगर प्लस सिंबल लेके चलते हैं हम तो AST का वैल्यू आ गया 5938.69। अगर एक बार माइनस चिन्ह लेके चलते हैं तो क्या आएगा, माइनस चिन्ह लेकर के भी चेक कर लेंगे आप। यहाँ पे बी स्क्वायर 130 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, ए का वैल्यू है 0.021 इंटू सी का वैल्यू 31.40 इंटू 10³। अंडररूट आंसर, तो ये वैल्यू माइनस में हो गया आपका, अगर हम यहाँ माइनस चिन्ह लेके चलते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बी में से इसे हम घटा देंगे। बी का वैल्यू है 130 माइनस आंसर, ये हो गया डिवाइड बाय 2a, 2 इंटू ए का वैल्यू 0.021, तो 251 आ गया, 0.77 मिलीमीटर का स्क्वायर। ध्यान देना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आप एक बार प्लस लेके चलेंगे और एक बार माइनस लेके चलेंगे। जब यहाँ पर मैं प्लस लेके चला ना तो बहुत ज़्यादा वैल्यू आ गया, तो दूसरा वैल्यू हम ले लेंगे माइनस चिन्ह लगा के एक बार, क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है प्लस माइनस दोनों होता है, तो माइनस वाला लेके चलेंगे तो ठीक वैल्यू आएगा। तो यहाँ से हमें AST का वैल्यू मालूम चल गया। तो AST का वैल्यू आ गया 251.77 मिलीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ से निकालेंगे स्पेसिंग। स्पेसिंग के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, क्या होता है, S इज इक्वल टू 80 इंटू 1000 डिवाइड बाई AST, जहाँ पर 80 क्या होता है, 80 निकालने का फॉर्मूला होता है, एक बार का एरिया होता है ये, पाई बाई 4 इंटू डाया का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। और डाया आप हमेशा 8 mm या 10 mm मान लेंगे, तो यहाँ पर देखा जाए तो HYSD बार यूज किया गया है, तो 8 mm ले लीजिए आप, 8 mm ले लीजिए, 10 mm भी ले लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग यहाँ पर 10 का ले लेते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पाई बाई 4 इंटू 10 का स्क्वायर, तो 78.53 हो जाएगा मिलीमीटर का स्क्वायर। ये 80 का वैल्यू आ गया, यहाँ पे रखेंगे आप 78.53 इंटू 1000 डिवाइड बाई AST, AST है अपना 251.77। सॉल्व कीजिए, इंटू 1000 डिवाइड बाई 251.77, तो ये हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वैल्यू आ गया है आपका यहाँ पर। ये एक बार फिर से चेक कर लेते हैं इसे, 78.53 इंटू 1000 डिवाइड बाई 251.77, 311 mm आ गया आपका ये, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे IS कोड में रख करके चेक करेंगे। IS कोड क्या कहता है, नंबर फर्स्ट S का वैल्यू,
नंबर सेकेंड 3D का वैल्यू, नंबर सी 300 mm। इन तीनों में जो सबसे कम वैल्यू होता है वो स्पेसिंग ऑफ मेन बार होता है। तो S का वैल्यू कितना आ गया है 311 mm। 3D निकालेंगे, 3 × d स्मॉल d का वैल्यू है 130 mm, तो ये हो जाएगा 390 mm और ये है 300 mm। इन तीनों में जो सबसे कम है विच एवर इज मिनिमम वैल्यू, तो यानी हम कह सकते हैं कि स्पेसिंग कितना हो जाएगा, स्पेसिंग यहां पर हो जाएगा 300 mm। ठीक है, यहां पर स्पेसिंग कितना हो जाएगा 300 mm। अब यहां पर स्पेसिंग 300 mm हो गया, ठीक है। तो जब यहां पर ये AST यूज किया गया तो उसका स्पेसिंग 311 mm आ रहा था, इसके अकॉर्डिंग इस 251.77 के अकॉर्डिंग आपका आ रहा था 311, लेकिन मैंने स्पेसिंग को चेंज कर दिया। जब स्पेसिंग को चेंज किया हुआ है तो AST का वैल्यू भी चेंज होगा, ठीक है। तो एक्चुअल AST कोई और आ जाएगा। अगर हम इस 300 mm के दूरी पे स्टील बार को डाल देंगे और केवल यही AST यूज करेंगे तो वो करेक्ट नहीं आएगा। तो मैंने क्या किया, IS कोड को देखते हुए स्पेसिंग को हमें चेंज करना पड़ा। जब स्पेसिंग को, अब देखिए ये जब AST था तो 311 mm आया था स्पेसिंग, लेकिन मैंने 311 लेने के बजाय कम लिया है, 300 mm स्पेसिंग लिया हुआ है। तो एक्चुअल AST आप निकालेंगे। एक्चुअल AST कैसे निकालेंगे, इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, इसी फॉर्मूले से आप बना लेंगे। AST इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 × 1000 डिवाइड बाई स्पेसिंग S। तो 80 आपका है 78.53 × 1000 डिवाइड बाई स्पेसिंग S। अब कितना लेके चलेंगे, 300 mm। तो 300 mm स्पेसिंग के अकॉर्डिंग AST कुछ न कुछ चेंज होगा, तो उसी को हम लोग देखते हैं क्या आएगा। 70.53 × 1000 डिवाइड बाई 300, तो ये आ गया 261.76 mm का स्क्वायर। अब हम जो एक्चुअल में AST का स्पेसिंग प्रोवाइड करेंगे वो 300 mm का यूज करेंगे, और उसके लिए AST कितना चाहिए, 261.76। अब हम 251 यूज नहीं करेंगे, क्योंकि 251 यूज करने पे 311 mm का स्पेसिंग देना होगा, और IS कोड ये कहता है कि 300 mm से ज़्यादा स्पेसिंग नहीं होना चाहिए। तो मैंने स्पेसिंग को कम कर दिया। जब